हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन लिटरेचर से रिलेटेड जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि नॉन फिक्शनल वर्क किस तरीके के होते हैं एंड इंग्लिश लिटरेचर में या वर्ल्ड लिटरेचर में कौन कौन से वर्क्स ऐसे हैं जो नॉन फिक्शनल कैटेगरी में लिखे गए हैं, और नॉन फिक्शनल जो वर्क्स होते हैं व्हाट आर द नेचर ऑफ दैट वर्क वी विल डिस्कस हियर। एंड ऑल्सो स्पेसिफिक जो नॉन फिक्शनल वर्क्स होते हैं उनके सब जॉनर्स क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। नॉन फिक्शनल जो वर्क्स होते हैं उससे रिलेटेड आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉन फिक्शन एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का या आपका लिटरेचर का जिससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेशन एंड अपना पेपर पेन अपने साथ में रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या आपको पॉइंट्स मिलेंगे आज के वीडियो में, उनको जरूर आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शनल वर्क की बात करेंगे, और उसके साथ साथ नॉन फिक्शनल जो वर्क्स लिखे गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन एंड नॉन फिक्शनल वर्क्स दोनों का डिस्कशन आज के वीडियो में होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो हमारा है नॉन फिक्शनल लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेरी अगर बात करें कि लिटरेचर में नॉन फिक्शन हम किसको बोलते हैं, तो नॉन फिक्शन का आप समझ सकते हो, फिक्शन मीन्स होता है इमेजिनेशन, या एक जो आपके जो फॉल्स इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में फिक्शनल वर्क में बात होती है। तो यहाँ पे नॉन लग गया है तो हम जो बात करेंगे वो फैक्ट से रिलेटेड, लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज लिखी जाती है, किसी इवेंट के बारे में डिस्कशन होता है, जो फैक्ट या जो आपके रियल होते हैं उन वो सब कुछ नॉन फिक्शनल कैटेगरी में काउंट होते हैं, नॉन फिक्शनल लिटरेचर में काउंट होते हैं। एंड नॉन फिक्शनल लिटरेरी नॉन फिक्शन इज अ टाइप ऑफ राइटिंग व्हिच यूजेस सिमिलर टेक्निक्स राइटिंग एज अ फिक्शनल वर्क टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ राइटिंग अबाउट रियल इवेंट्स। यस, इसका जो टेक्निक होता है लिखने का, सेम आपका फिक्शनल वर्क जैसे लिखा जाता है, प्लॉट, कैरेक्टर्स या आप सेटिंग्स होती हैं, सब कुछ आपके नॉन फिक्शनल वर्क्स में भी देखा जाता है। बट जो भी चीजें लिखी जाती है नॉन फिक्शनल वर्क्स में, दे आर इंटरेस्टिंग पीस ऑफ राइटिंग अबाउट रियल इवेंट्स। यस, रियल इवेंट्स या आपके जो होते हैं जो लाइव इवेंट्स होते हैं उन पे एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ राइटिंग लिखी जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्शनल वर्क या नॉन फिक्शनल लिटरेचर उनको हम बोलते हैं। अगर वही चीज किसी अनरियल इवेंट की बात करें या आपके इमेजिनरी इवेंट की बात करें, एक हम एक कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा फिक्शनल वर्क में आता है। और अगर हम किसी रियल इवेंट या किसी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ राइटिंग को लिखते हैं, किसी रियल इवेंट को लिखते हैं, देन दैट इज कॉल्ड नॉन फिक्शनल वर्क्स। सो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी चीजें आपकी। दीज टेक्निक्स हेल्प टू क्रिएट नॉन फिक्शन व्हिच इज एंजॉयबल एंड एक्साइटिंग टू रीड। अगर हम किसी रियल इवेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वो चीज हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है, एक तरीके का वो हमें एंजॉय देती है, एंड वी फील एंजॉयबल एंड वी फील वेरी एक्साइटेड बाय रीडिंग दैट काइंड ऑफ पीस ऑफ लिटरेचर जो कि नॉन फिक्शनल कैटेगरी में आता है। क्योंकि जो प्रीवियस चीजें हो चुकी हैं या जो ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसको हमने अपने सामने से नहीं देखा है, बट उस इवेंट के बारे में, उस रियल इवेंट के बारे में हम उस पीस को पढ़ करके, उस पीस ऑफ राइटिंग को पढ़ करके वो चीज हमें उस चीज के बारे में रियल इमेजिनेशन जो आती है हमारे माइंड में, वो सब कुछ नॉन फिक्शनल वर्क के टेक्निक के थ्रू वो हमारे माइंड में ऐसी चीजें क्रिएट करता है। ऑल्सो वी हैव सम ट्रेवल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफीज, एसेज दैट कंसिडर पर्टिकुलर व्यू पॉइंट आर की एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फिक्शनल लिटरेरी। लिटरेरी नॉन फिक्शनल की बात करें तो कुछ तरीके जो ट्रेवल राइटिंग्स होती हैं, क्योंकि ट्रेवल राइटिंग्स आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो, उस चीज को आप लोगों के सामने रखते हो, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने शेयर करते हो, वहाँ की चीजों को आप बताते हो, वॉट वी हैव एक्सपीरियंस बाई ट्रेवलिंग देयर एंड हियर वॉट एवर द प्लेस इज। एंड ऑटोबायोग्राफीज, अगर किसी एक पर्टिकुलर एक किसी आप अपने यूथ आइकन या आप अपने रोल मॉडल के बारे में कुछ लिखते हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफीज। एंड एसेज जो होते हैं ये कुछ ऐसे पीस ऑफ राइटिंग्स हैं जो पर्टिकुलरली किसी व्यू पॉइंट को एक तरीके से बता रहे हैं, एंड दैट इज द की एग्जाम्पल ऑफ द नॉन फिक्शनल लिटरेचर। एंड ऑल्सो वी हैव देयर मेन पर्पज इज टू एंटरटेन
दे इन्फॉर्म अबाउट फैक्चुअल इवेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन. क्या मेन पर्पज होता है नॉन फिक्शनल राइटिंग का, कि वो हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक इवेंट के बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो हमको प्रोवाइड करते हैं, वो हमको एंटरटेन करते हैं. अगर किसी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं जो हमने नहीं देखी हैं बट हमको उसको पढ़ के उस टाइम के सिचुएशन के बारे में समझते हैं तो वो हमारा नॉन फिक्शनल लिटरेचर कहलाता है. स्टोरी टेलिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड व्हेन राइटिंग अ ग्रेट वर्क ऑफ नॉन फिक्शन बट द कंटेंट इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी एक्यूरेट. यस, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हम नॉन फिक्शनल लिटरेचर लिख रहे हैं तो वहां पे स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी, अगर आप कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आप लिख रहे हो तो वो एक हमें एक्साइटेड करती है, हमें एक तरीके की डलनेस नहीं क्रिएट होती, हम एक तरीके से एंजॉय करते हैं उस स्टोरी टेलिंग को पढ़ करके. क्यूरियोसिटी हमें आती है कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं इस पीस ऑफ राइटिंग में, या आगे क्या क्या हुआ था. उस पीस ऑफ राइटिंग को जो लिखा जाता है नॉन फिक्शनल वर्क में वो स्टोरी टेलिंग की वे में होनी चाहिए, बट वो सेम टाइम एक्यूरेट भी होनी चाहिए. एक्यूरेट रिलेटेड टू दैट इंसिडेंट, किसी तरीके का फेकनेस, किसी तरीके का फॉल्स जो इवेंट्स या फॉल्स इंसिडेंट या फॉल्स पार्ट को उस नॉन फिक्शनल वर्क में नहीं इंक्लूड करा जाता है. एंड दैट शुड बी एन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट टाइम या ऑफ द वर्क, व्हाट एवर द थिंग्स इज लिटरेचर इज अबाउट. किसी लिटरेचर या किसी की बायोग्राफी, किसी की हम ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, किसी मेमोयर को अगर हम शेयर कर रहे हैं, कोई भी राइटर शेयर कर रहा है, कोई ट्रेवल अपनी हिस्ट्री को बता रहा है, उससे रिलेटेड ट्रेवल राइटिंग कर रहा है, तो दैट शुड बी रियल एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट. एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग सो दैट इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द रीडर. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉन फिक्शनल वर्क ऐसे वर्क्स होते हैं जो कि जिसमें हम जो लिखते हैं वो टेक्निक जो फिक्शनल वर्क की तरह ही होता है, बट वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड ऑन होते हैं. वो एंजॉयबल भी होते हैं, एक्साइटिंग भी होते हैं. एंड ऑल्सो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क या ट्रेवल वर्क जो होते हैं, एसेज जो होते हैं, जो किसी व्यू पॉइंट को हमें पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को हमें कंसिडर करते हैं, व्यू पॉइंट अपना देते हैं, वो नॉन फिक्शनल वर्क की कैटेगरी में आते हैं. उनका मेन जो पर्पज होता है वो होता है हमारा एंटरटेन करना, बट दैट storytelling should be on a factual event and on a accurate thing should be used while writing a non-fictional work. So friends, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ specific types की जो कि non-fictional works में आते हैं. Autobiography के through biography is also a part of non-fictional work. Biography होता है जहाँ पे हम किसी और इंसान की जो होती है someone else कोई और लिखता है किसी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, यहाँ पे होती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ someone else, ठीक है. और यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी में हम लिखते हैं खुद की बारे में बात करते हैं. लाइफ हिस्ट्री ऑफ वन सेल्फ, ओके. यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं, अभी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट कर दिया था. ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो रिलेटेड होती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ वन सेल्फ. अगर हम अपनी लाइफ के बारे में, अपने जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे लाइफ को, उसको बारे में हम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन एल्स, कोई और, किसी और की लाइफ हिस्ट्री को अगर हम लिख रहे हैं, मीन्स उसके स्टार्टिंग से लेकर के डेथ तक के एंड ऑफ हिज लाइफ के जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उसकी लाइफ का एक कैरिकेचर हम क्रिएट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं रीडर्स के सामने, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. डायरी होती है, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम कोई चीज़ें लिखते हैं कि हमें होती हैं कि हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं उस इंपॉर्टेंट चीज को या इम्पोर्टेंट जो हमारे साथ हैपनिंग्स हुई रहती है उसको हम डायरी में नोट डाउन करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फिक्शनल वर्क. एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री किसी स्पेसिफिक जो इवेंट्स होते हैं, एंशियंट जो हमारे पास्ट इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है इस तरीके के लिटरेचर में, इस तरीके के वर्क्स में जो हिस्ट्री में कैटेगरी में काउंट होते हैं. जर्नल्स होते हैं जहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे जर्नल इसका ये काउंट होता है. लेटर्स होते हैं, लेटर्स आल्सो ओपन लेटर के में
पे भी होता है, या आप लेटर किसी को आप स्पेसिफिक चीजों के बारे में बता रहे हो, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन फिक्शनल वर्क. मेमोयर किसी भी रिमेम्बरेंस से रिलेटेड होता है, अगर किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट को हमारे माइंड में है, उस मेमोरी को किसी के साथ में शेयर करना, दैट इज कॉल्ड मेमोयर. एंड ऑल्सो ट्रेवलॉग, किसी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में अपनी बातें करना या उसको एक राइटिंग के वे में प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड ट्रेवलॉग. और यहाँ पे भी हम ट्रेवलॉग में अपनी मेमोयर, लेटर्स, जर्नल्स, हिस्ट्री, डायरी, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, इन सभी में हम अपने इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं या रियल इवेंट्स होते हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो हम शेयर करते हैं, एंड दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन फिक्शनल वर्क. चलिए कुछ नॉन फिक्शनल वर्क की बात कर लेते हैं कि लिटरेचर में किस तरीके के नॉन फिक्शनल वर्क्स लिखे गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो. वेटिंग फॉर गॉडट बाई सैमुअल बेकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एक मॉडर्न ये ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडट, जो कि एक सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है, थिएटर ऑफ एब्जर्ड ये इस पे बेस्ड ऑन है, इस तरीके के ड्रामा पे बेस्ड ऑन है. तो वेटिंग फॉर गॉडट जो है ये भी एक नॉन फिक्शनल वर्क है, जो कि ऐसे इवेंट्स रियल इवेंट्स पे बेस्ड ऑन है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ, ये भी इम्पॉर्टेंट इन 1929 का वर्क है, नॉन फिक्शनल वर्क है. अनदर एग्जाम्पल वी हैव एमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्ट्रैची, 1918 का वर्क है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नॉन फिक्शनल वर्क. एंड ऑल्सो वी हैव कल्चर एंड नाकी बाय मैथ्यू एनॉल्ड, 1869 का ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, कल्चर एंड नाकी. नेक्स्ट वन वी हैव ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय चार्ल्स डार्विन, 1859 का ये इम्पॉर्टेंट वर्क है, बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी वर्क है, जो कि साइंटिफिक सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. नेक्स्ट वन वी हैव ऑन लिबर्टी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, 1859 का ये भी, ये दो इम्पॉर्टेंट वर्क है सेम ईयर के, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड ऑन लिबर्टी, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट नॉन फिक्शनल वर्क ऑफ लिटरेचर. ऑल्सो वी हैव द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्रॉन्टे बाय एलिजाबेथ गास्किल, 1859 का ये इम्पॉर्टेंट वर्क है, एंड कन्फेशंस ऑफ एन English Opium Eaters by Thomas De Quincey, 1822 का ये important work है. इसके साथ ही साथ Leviathan by Thomas Hobbes, ये political एक subject matter पे based on है, 1651 का ये important work है Thomas Hobbes का. So friends, यहाँ पे हमने important कुछ works जो literature में लिखे गए हैं, जो कि non-fictional category में आते हैं, real events या real incidents, एक real picture को दिखाते हुए ये इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए हैं, जो यहाँ पे हमने आप सभी से डिस्कस किया. इसके साथ ही साथ किस तरीके के वर्क्स जो हैं वो नॉन फिक्शनल वर्क्स में लिखे जाते हैं, इस तरफ मैंने आपसे बताया, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरी, हिस्ट्री, जर्नल्स, लेटर्स, मेमोयर एंड ट्रेवलॉग, दीज ऑल कम्स अंडर दी सब कैटेगरी ऑफ दी नॉन फिक्शनल वर्क. इसके सब जॉनर्स हैं ये, और इसी में लिटरेचर जो लिखे जाते हैं वो नॉन फिक्शनल कैटेगरी में काउंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नॉन फिक्शनल वर्क क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट जो वर्क्स आते हैं, उसके सब जॉनर्स हैं, वो सब कुछ आपने आज के वीडियो में यहाँ पे समझ लिया होगा, आई होप. एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में हम आपसे मिलेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस.